सुप्रभात विद्यार्थी, आज मैं आपको संस्कृत में चैप्टर टू यानी पार्ट दो पढ़ाऊंगी। पार्ट दो में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग से मतलब समझते हैं ना आप, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया इस चैप्टर में, यूज ऑफ फेमिनाइन वर्ड्स। ओके, चलिए अब आपको शुरू करते हैं। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनमें फिगर्स हैं, फिगर्स बेटा बुक में है। ओके, मैंने इनमें इनका जो संस्कृत वर्ड्स है, संस्कृत भाषा है वो लिखी है, इसका मैं हिंदी भाषा का उच्चारण करूंगी। ओके, चलिए पहला है, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, डीपी देखा जाएगा तो माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती की वंदना एक लड़का कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है इयम का। इयम का मतलब होता है यह, इयम का मतलब संस्कृत में होता है यह। तो इयम का यह कौन है? इयम शारदा, यह सरस्वती माँ है। अहम शारदा नमामि, मैं सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। क्लियर, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ सेकंड पॉइंट पे अध्यापिका है जो छात्रों को पढ़ा रही है। इस चित्र में, इस चित्र के आधार पर इसमें सेंटेंस लिखे हुए, वाक्य लिखे हुए हैं। इयम का यह कौन है? इयम आचार्या, यह अध्यापिका है। आचार्या किं करोति, आचार्या क्या करती है? आचार्या बालिका पाठयति, आचार्या बालक लड़कियों को पाठ पढ़ाती है। क्लियर, आगे चले। यहाँ पर एक लड़की है जो पत्र लिख रही है, यानी कुछ भी लिख रही है, कॉपी पर लिखती भी दिखाई दे रही है। तो इयम का यह कौन है? बालिका, यह लड़की है। बालिका किं करोति, लड़की क्या करती है? बालिका लिखती, लड़की लिख रही है। फिर नेक्स्ट आगे है, उसमें एक भेड़ है जो चल रही है, घास चल रही है, उसके बारे में बताया है। इयम का यह कौन है? इयम भेड़ का, यह एक भेड़ है। संस्कृत में एक भेड़ को एड़ का बोलते हैं। ठीक है बेटा, एड़ का किं करोति, क्या करती है? भेड़ का चलती, भेड़ चलती है। क्लियर, इसके बाद मैं आपको बुक में से रीड कराऊंगी। सेम इसी तरह से है इयम का, यहाँ पे एक धेनु यानी गाय की बात हो रही है और पूछ रहा है कि क्या कर रही है। इयम का यह कौन है? इयम धेनु, इयम यह गाय है। धेनु किम ददाति, गाय क्या देती है? धेनु दुग्ध ददाति, गाय दूध देती है। तो आपको सबको पता है कि गाय दूध देती है। आगे चले, ईशा का अस्ति, यह कौन है? ईशा अजा अस्ति, यह बकरी है। संस्कृत में अजा को बकरी कहा गया है। ठीक है, अजा किं खादति, बकरी क्या खाती है? अजा तृण खादति, घास। बकरी घास खाती है, संस्कृत में घास को तृण बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे इयम का, अब यहाँ पे तराजू दिया हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। इयम तुला, यह तराजू है। तुला किं भवति, तराजू से क्या होता है? तुल्यान तोलन भवति, तराजू से तोला जाता है। हम लोग भाव करते हैं जब हम लोग राशन के सामान ले आते हैं, सब्जी ले जाते हैं, तो तराजू को तोल के हमको देता है, ये ना, वही यहाँ पे कह रहा है कि तराजू से हम तोलते हैं। आगे एक लड़की बॉल खेलती हुई दिखाई दे रही है, उसको पूछ रहा है ऐशा का अस्ति, यह कौन है? ऐशा रमा अस्ति, यह रमा है। रमा किम करोती, रमा क्या करती है? रमा कंदुकेन क्रीडती, रमा गेंद से खेलती है। क्लियर, ये आपका चैप्टर है पार्ट वन, पार्ट टू बेटा, जिसकी हमने आपको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। ठीक है, इसकी भी आपकी जो उसकी एक्सरसाइज होगी वो मैं अगली वीडियो में आपको डिफाइन करके पूरा समझा।